सम्मान योग गुरु रूप साध संग जी योग फते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दी बाणी ने धर्म नूं एक सरूर आख्या, नशा आख्या, मस्ती आख्या। कहिंदे सरूर तो बिना जिंदगी बंदे दी अधूरी है और मनुख नूं हर हालत दे सरूर चाहिदा, खुमारी चाहिदी है, मस्ती चाहिदी है। निरी रोटी नाल ही गल नहीं बनदी, मेरे धन नाल ही गल बनदी नहीं। सोना पहनण नूं मिल जाए, खाण नूं मिल जाए, सिर्फ इस नाल ही गल नहीं बनदी। बंदे नूं कुछ सरूर भी चाहिदा, बंदे नूं कुछ मस्ती भी चाहिए, बंदे नूं भी कुछ खुमारी चाहिए। जन्म साखी भी एक पंक्ति है गुरु नानक देव जी महाराज की, जन्म साखी। उस नाम नूं खुमारी आख्या गया, नशा आख्या गया। नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, भई नाम भी एक खुमारी है, नाम भी एक नशा है, धर्म भी एक सरूर है। और ये सरूर जिन्हां नूं आ जाए वो धर्म छड़दे नहीं, फिर नाम छड़ नहीं सकते। जिहड़ा नशा एक दफा लग जाए फिर बंदे ते छुटिया छुटदा नहीं। जिवें अफीम लग जाए, चरस लग जाए, भंग जिहनूं लग जाए, शराब जिहनूं लग जाए, फिर सरूर छड़ना उस वास्ते औखी गल हो जाती है। सतगुरुदेव जी महाराज की बाणी ने धर्म नूं, बाणी नूं, नाम नूं एक सरूर आखी, मस्ती आखी। मस्ती दो तरह की है, एक बेहोशी की मस्ती, एक होश की मस्ती। दो हालतों में मस्ती पैदा हो सकती है, खुमारी पैदा हो सकती है, या तो बंदा बेहोश होवे या होश में आवे। तो जिहड़ी बेहोशी की मस्ती है वह बिकती है बाजार में, शराब बिकती है, अफीम मिल जाती है, चरस है, सुल्फा है, गांजा है। बंदे के अंदर मस्ती की भुख है, इस भुख ने मनुखी दुनिया में अनेक तरह के नशियां नूं जन्म दिता है। और समुची दुनिया में नशे मौजूद ने। जे यूरोप के देशों में शराब ज्यादा पीती जाती है, हिंदुस्तान में भंग ज्यादा पीती जाती है, सारा साधु समाज भंग पींदा। साढ़े विच जिहड़ा एक नियम सिंघां दा टोला है उहदे च भी काफ़ी तादाद भंग पींदे ने। सन्यासी ने, उदासी ने, बैरागी ने भंग पींदे, योगी ने चरस पींदे ने, सुल्फा पींदे ने, गांजा पींदे ने। इस तरह के बेशुमार नशे समुची दुनिया विच मौजूद ने। नशा बंदे नूं चाहिदा, सरूर बंदे नूं चाहिदा। सरूर तो बिना मनुख रह नहीं सकता। कारण बंदे दे अंदर कुछ बेचैनियां ने, तो या तो बेचैनियां नूं खत्म किया जा सकता है या बेचैनियां नूं भुलाया जा सकता है। दो ही हालत ने, और कोई तीसरा रस्ता है नहीं। कहने या तो इतना वड्डा होश मनुख नूं मिल जाए, इतनी वड्डी जागृति कि बंदा तमाम परेशानियां तो उच्चा उठ जाए, या फिर परेशानियां नूं भुले। दो ही तरीके, परेशानियां नूं जिहड़ा भुलाना है ये कम सौखा है ते सस्ता भी है। थोड़े जिहे पैसे खर्च किए, नशा मिल गया, बेहोशी तारी हो गई, सुरूर मिल गया, मस्ती मिल गई, वक्ती तौर पर गम नालों, बेचैनी नालों संबंध टुट गया। और इस चक्कर च ना पैना कि बंदा बेचैन नहीं, हर बंदा बेचैन है। और इसका पता कदों चलेगा, जब बंदा कल्ला बैठा होवे, कल्ले विच ही पता चलता है। इकल मनुख की कसवटी है, बंदा कल्ला नहीं बैठ सकता। कोई अखबार चाहिए, इश्तहार चाहिए, टीवी चाहिए, कोई मित्र चाहिए, पुत्र चाहिए, कोई दोस्त चाहिए, मनुख कल्ला नहीं बैठ सकता। अपने आप के नाल नहीं बैठ सकता, कोई दूजा तीजा चाहिए, कोई चौथा पंजवा चाहिए। इतों का तो मैं पता नहीं, भारत के जेल के अंदर
जिस कैदी नूं सब तो वड्डी सजा देनी होवे, कोई शैतानी ज्यादा करदा होवे, तां उहनूं हफ्ते दो हफ्ते वास्ते कल्लियां ही रख्या जांदा है। उहनूं कहिंदे तैनूं हुण विशेष सजा देनी है, तूं कल्ला है। चार दिनों बाद ही माफी मंगण लगदा वी मैनूं कल्लियां दे रखो, दूजियां दे नाल रखो। ऐसा क्यों? कल्ला रहण नाल मनुख नूं अपने गम दा पता चलदा है, अपने दुख का पता चलता है, अपनिया बेचैनिया का पता चलता है। तो जन्म कई पीढ़िया तो ये बेचैनिया मनुख ने कठिया कीतियां ने, इस जन्म दिया नहीं, बहुत सारिया, बहुत सारिया, वो सारिया सामने आ जांदियां ने इकल्ले इकल्लपणे विच। तो अपने आप दे नाल बैठना बड़ी औखी गल हो जाती है। इकल्ले बैठने का मतलब है अपने आप नाल बैठना, तो अपने आप नाल बैठना बड़ी औखी गल है। दूजा तीजा चाहिए, कोई मित्र चाहिदा, पुत्र चाहिदा, कोई संबंधी चाहिदा, कोई दोस्त चाहिदा, होर नहीं तो कुछ कम से कम टीवी सही, कोई नॉवल ही सही, कुछ ना कुछ चाहिदा। मनुख कल्ला नहीं बैठ सकता। कल्लियां दे च वो सारियां बेचैनियां उजागर हो जांदियां। और जे दूजे तीजे दे होंदियां भी ये बेचैनियां मिटन ना, याद आन, तो फिर नशा चाहिदा, कोई सरूर चाहिए, कोई मस्ती चाहिए है। भावें कितने ही धर्म ने निंदिया इस गल नू कि नशा मनुख की बुद्धि नू भी कम करता है, मनुख की उम्र नू भी कम करता है, मनुख की चेतन शक्ति नू भी कमजोर करता है, मनुख की शरीरक बल ते उम्र नू भी घटाता है। लेकिन मनुख धर्म की इस गल नू कान तो सुन के दूसरे चो कढ़दा है। कारण अंदर बेचैन है, की करे, तो सरूर चाहिए, मस्ती चाहिए। बेहोशी तो मस्ती पैदा होती है, नशियां तो मस्ती पैदा होती है, ये बंदे नूं पता है। पर धर्म तो भी एक मस्ती पैदा होती है, धर्म तो भी सरूर पैदा होता है, धर्म भी एक नशा है, ये बंदे नूं पता नहीं। पर एक गल थोड़े समक्ष भेट करा, बाहर दे नशे बाजार बिकते ने, बंदा खरीद लेंदा है, नाम का नशा आप बनाना पैंदा, बस इन्नी गल, आप बनाना पैंदा, बिकदी कोई नहीं। ये नाम की खुमारी बिकदी नहीं, नाम की मदरा बिकदी नहीं, नाम खुमारी नानिका चढ़ी रहे दिन रात। भाई साहब भाई नंद लाल ने जो साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनन भगत ने, हजूरी शायर ने, 52 कवियां विचों भाई नंद लाल का दर्जा बड़ा खास दर्जा से। आप दियां गालबन 7 किताबां ने, जिन्हां विचों कुछ किताबां बड़ियां प्रचलित ने, तौसीफ़े सना, बंदगी नामा, दीवाने गोया, ये किताबां भाई जी दियां बड़ियां मशहूर ने। बंदगी नामा आपने सब तो पहले लिखी सी, ते जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं भेट की थी कि आ पातशाह ने किताब लिखी है, आप वेखो जरा। सतगुरु ने उस किताब दियां सिर्फ 2 नज़मां ही पढ़िया, कहन लगे नंद लाल इस किताब का तू नां की रखे? पातशाह बंदगी नामा, नहीं ये ते जिंदगी नामा है, जिहड़ा पढ़ेगा उन्हूं जिंदगी मिलेगी, जिहड़ा पढ़ेगा उन्हूं जीवन मिलेगा, जिहड़ा पढ़ेगा उसनों मस्ती मिलेगी। नंद लाल इंज आशीर्वाद दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। 52 कवियां विचों सिरमौर कवि सन भाई साहब भाई नंद लाल। गोया आपका तखल्लुस से उपनाम सरने। हुण ये अपनी एक नज़म विच दीवाने गोया दी गालबन दूजी नज़म विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं साकी कहिंदे ने, साकी ते परशियन विच साकी कहिंदे ने शराब पिलाण वाले। साकी शब्द वरत्या है नंद लाल ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वास्ते। उन्हां दी रचना मैं थोड़े सामने रखा। बिदे साकी मरायत जाम अजां रंगीनी ए दिला, ऐ साकी इक जाम पिला, सुनिया तेरे कुल भरे हुए जाम ने, सुनिया
तेरे कोल कोई नशा है, तेरे कोल कोई सरूर है, तेरे कोल कोई मस्ती है। ये विचार मैं इस वास्ते अर्ज कर लेना कि साढ़े हिंदुस्तान में एक गल प्रचलित है कि दुराचार करके मुसलमान तबाह हो गए, वहम ते तोहमात करके हिंदू तबाह हुए, शराब करके सिख तबाह हुए। आम प्रचलित हिंदुस्तान में गल कि दुराचार मुसलमानों की बुनियादी कमजोरी है, वहम तोहमात हिंदुओं की बुनियादी कमजोरी है, सहने बंदे कहने शराब सिखा की बुनियादी कमजोरी है हिंदुस्तान में, ऐसा कहना आम एक चर्चा है उठे। लेकिन बगौर कभी मुतला करिए, शराब हूँ समुची दुनिया की कमजोरी बन गई, सारी दुनिया की, हर बंदे नू नशा चाहिए। अरब देश भावें शराब हराम है, अरबी पीते हैं, बोधी पीते हैं, बुद्धिस्ट पीते हैं, हिंदू पीते हैं, मुस्लिम पीते हैं, ईसाई सारा जगत पीता, नशा चाहिए, सरूर चाहिए। बंदे नू इसे ही सरूर का पता है, बेहोशी, कुछ बेहोश हो जाइए, कुछ भूल जाइए, कुछ गल्लां भुला दईए, कुछ गल्लां बार बार परेशान कर दियां ने, बेचैन कर दियां ने। कदी बगौर मुताला करना, जिस गल नू हिरदा पकड़ लवे उन्हों भुलाना बड़ी औखी गल है, ते जिस गल नू हिरदा पकड़े ना उन्हों याद करना भी बड़ी औखी गल है। सिमरन का मतलब है याद करना, सिमरन के अखरी अर्थ ने याद करना और कुछ नहीं। सिमरन लवज है संस्कृत का, ते इहदा अर्थ है याद करना, किनू याद करना, रब नू याद करना। ते याद बंदा किसनू करदा, जिन्हों भुल गया उन्हों याद करना। कभी असी ऐसा उपदेश देने किसी को भी तू पुत्र का सिमरन कर, मित्र का सिमरन कर, पत्नी का सिमरन कर, पति का सिमरन कर, दोस्तों का सिमरन कर, मकान का सिमरन कर, घर का सिमरन कर, ये आप ही चल ये भुलिया ही नहीं, सिमरन की करे। पर रोज कहा जाता है गुरु का सिमरन कर, रब का सिमरन कर, क्यों भुल जाता है, हिरदा पकड़ता ही नहीं। जिन्हों हिरदा पकड़े ना वह भुलेगा। घर में बहुत सारिया चीजा थोड़े पड़ियां, केड़ी चीज नजरों तो ओझल हो जाती है, केड़ी चीज भुल जाती है, जिसनों हिरदे ने पकड़िया नहीं, घर के भुल गई है, नहीं चेता। जिस चीज को हिरदे ने पकड़ लिया उन्हों भुलाना बड़ी औखी गल है, वह नहीं भुलेगी। हिरदे ने गुरु को नहीं पकड़िया, हिरदे ने रब को नहीं पकड़िया, रोज भुल जाता है, रोज भुल जाता है, रोज सुनना पैंदा है, सिमरन कर, सिमरन कर। यकीन जानो जी याद ही आ गया है, जो सिमरन आ ही गया उसका, तो फिर इस उपदेश की लोड़ ही नहीं कोई, फिर तो बंदा अठे पैरों की याद है, हर वक्त उसकी याद है, वह भुलता है। जिन्हों हिरदा पकड़े ना भुल जाता है, बार बार भुलता है, तो जिन्हों हिरदा पकड़ लवे उन्हों भुलाना बड़ी औखी गल है। तो जन्म जन्मांतरां के अंदर कुछ गम पे ने, बेचैनियां पईयां ने, परेशानियां पईयां ने, जो असी भुगतियां ने वह भुलाइए तो भुलदियां ने, यतन करिए तो भुलदियां ने, दिल दिमाग उत्ते बोझ की तरह पईयां होंदियां। फिर की करे, मनुख ने ढंग लग लिया, शराब पी लो, गांजा पी लो, चरस पी लो, सुलफा पी लो, भंग पी लो, अफीम खा लो, बड़े तरीके कड लैन बंदे, भुल जाओ, वक्ती तौर पर भुल जाओ। कम से कम जिन्ने चिर तक नशा रहेगा बेचैनियां तो नहीं रहनगियां, परेशानियां तो नहीं रहनगियां। जैसे जैसे संसार में बेचैनी वधदी जा रही है, वैसे वैसे नशे भी वधदे जा रहे हैं। तो मनोविज्ञानी दो तरह के नशे ने, धर्म भी एक नशा है, होश का नशा, तो एक बेहोशी का नशा है। तो जे होश का नशा ना मिलिया तो बेहोशी के नशे दे सारिया ने लीन होना ही है, मजबूरी है। इन्हों दोवां दे च एक रस्ता मनुख अपनाएगा, या तो बेचैनिया खत्म करे या बेचैनिया भुलावे। तो जिहड़ा भुलाना है ये तरीका बड़ा आसान है, थोड़ी जी पी लो तो भुल जाओ, थोड़ी जी अफीम खा लो तो भुल जाओ। और समुची दुनिया दे किसी न किसी रूप दे नशे चल रहे हैं, आम ग्रस्तियां दे चल रहे, साधुओं दे भी चल रहे।
हिंदुस्तान का साधु समाज जितनी भंग पींदा चरस पींदा सुल्फा पींदा इतना आम ग्रस्ती भी नहीं पींदा। कारण साधु नूं एकांत बड़ी मिलती है कल्ला बैठना, तो कल्ले पने विच जन्मां जन्मांतरां दीआं बेचैनियां सामने आउंदीआं, की करे फिर भंग का आसरा लैंदा, सुल्फे का आसरा लैंदा, गांजे का आसरा लैंदा। और आम ग्रस्ती बंदा जो सोचां दे सागर विच लीन हुंदा, दिमाग ते बोझ पैंदा, फिर इसनों पीना पैंदा, इसका आसरा लैना पैंदा। कहिंदे ने इस्त्री जगत जिहड़ा है ये भावुक ज्यादा है, इहदे अंदर शरदा ज्यादा है, इहदे मन विच टिकाओ ज्यादा है, इहनूं इतनी नशियां दी लोड़ नहीं। पर जैसे जैसे संसार विच इस्त्री जगत भी बेचैन हो रहा है, वैसे वैसे इस जगत विच भी नशे बढ़ रहे हैं। और जे धर्म का सुरूर ना मिलिया तो करीबन करीबन इस दुनिया विच हर बंदा नशा ही होगा, हर बंदा। मुश्किल है तुसी ऐसा कोई मनुख लभो जिहड़ा कोई परम होश दे चवे। तो मैं अर्ज कर रहा सी, नाम भी एक नशा है, कीर्तन एक नशा है, बाणी एक नशा है, नितनेम एक नशा है, अमृत वेले उठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप करना एक नशा है, यह भी एक सरूर है, यह भी एक मस्ती है। इस वास्ते नंद लाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अगों अरजोई करते हैं और गुरुदेव को कहते हैं साकी, साकी कहते हैं पिलाण वाले जिहड़ा प्याले विच पा के देवे वो साकी। ते साकी कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को, विदे साकी मरायक जा मजा रंगीनिये दिलहा बचस में पाक भी आसां कुनम ई जुमला मुश्किला। ऐ मेरे पातशाह ऐ मेरे साकी, सुने तेरे कोल कोई जाम है भरे आया मैनू भी दे, दो जहाना दिया मुश्किलां मेरिया आसान हो जा, इस लोक की चिंता ते परलोक की चिंता तो मैं बच जावा, इस जहान दे हम ते उस जहान दे हम ते दूर हो जावा, सुने ऐसा तेरे कोल कोई जाम है मैनू दे, विदेशा की मरायक जा मजा रंगीनी ए दिलहा बचस में पाक भी आसान कुनम ई जुमला मुश्किला, मेरिया सारिया मुश्किला आसान होवन ऐ मेरे साखी मैनू पिला। हिंदुस्तान विच ख्वाजा मयूद्दीन चिश्ती एक बहुत उगे फकीर होए ने, उन्हां दी दरगाह बनी हुई है अजमेर विच, उन्हूं मुसलमान अजमेर शरीफ कहिंदे ने। उहदा एक बड़ा कीमती शेर है, क्योंकि ये आए सन ईरान तो हिंदुस्तान विच, मादरी जबान इन्हां दी परशियन सी। वो कहिंदे ने विदेशा की मैं बाकी कि दर जन्नत न ख्वाही नेस्त। एक विचार चल पई है, इसनूं मैं इस वक्त चलाना चाहना। मयूद्दीन चिश्ती कहिंदे ने ऐ मेरे मुरशद ऐ मेरे गुरु, मैनू ऐसी शराब दे कि मैं जन्नत नूं ठोकर मार दें। विदेशा की मैं बाकी कि दर जन्नत ना ख्वाही नेस्त। मेरे अंदर जन्नत दी भी तलब ना रहे, मेरे अंदर जन्नत दी भी इच्छा ना रहे, मैं जन्नत नूं भी ठोकर मार दिया। पता क्यों? आप सुन के हैरान होवोगे, किसी मौलवी आलम फाजल कोलों पुछो कि नमाज पढ़िए रोजा रखिए तो फिर की होवेगा, कहने जन्नत मिलेगी। तो जन्नत विच की है पता की कहते हैं? जन्नत विच हूरां ने ते शराब दे चश्मे, ऐ कुछ उत्थे बोतलां विच शराब नहीं मिलती, शराब दियां नदियां ने, शराब दे चश्मे ने, एक कल्पना की थी गई है। दरअसल मजबूरी सी कि वह जोड़ा रब्बी सरूर से उन्होंने तशरी किस नाल देने, शराब नाल देनी मजबूरी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भावे मुसलमान ने, शायद आपको पता हो इन्हों का दादा कश्मीरी ब्राह्मण से, हिंदू तो मुसलमान बने। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बहुत उगा चोटी का विद्वान पुरुष होया, और खुद कहिंदा मैं हां ते हिंदू का ही पुत्र
ब्राह्मण का, लेकिन मैं इस्लाम दियां गहराइयां समझदा। और इस तरीके नाल उसने साफ कबूलिया, ब्राह्मण ज्यादा अस्त व राज हाय शमस तबरेजी। भाई हां ते मैं ब्राह्मण का पुत्र, पर मैं शमस तबरेजी के राज नूं भी जानना, मैं फकीर इस्लामी फकीर दियां रमजा नूं भी समझदा। ये कहता है बहिश्तो हूरो गिलमा इज़े तायत मैं ना मानूंगा, इन्हीं बातों से ऐ वाइज ज़ईफ ईमान होता है। ऐ मौलवी तू कहना है नमाज पढ़ रोजा रख ते शराब मिलेगी पूरा मिलन गया जन्नत बेच, ये तू ईमान नू कमजोर कर रहे हैं, ये तू धर्म नू कमजोर कर रहे हैं। जिन्हों इतने पीण नू मिलती है फिर नमाज पढ़ने की लोड़ ही बतेरी है शराब इतने, फिर क्यों नमाज पढ़े, क्यों रोजा रखे, क्यों मस्जिद बेच जावे, क्यों तरह तरह दियां कठिनाइयां सहारे। लेकिन आप सुन के हैरान हो गए, जब धर्म की चर्चा करनी पई इकबाल तो धर्म की तस्वीर उसने भी शराब नाल दे दी है। यूरोप की सियाहत करके समुचे यूरोप के देशों का भ्रमण करके इकबाल जब हिंदुस्तान में वापस गया उदों अजे देश की वंड नहीं हुई सी, तो इस दे कोल पुछया गया कि हिंदुस्तानी जिहड़ा धर्म है ते यूरोप का जिहड़ा मजहब है ये विच की अंतर है, थानू की कुछ दिखाई देता, उत्थों की सभ्यता इत्थों की सभ्यता इत्थों का धर्म उत्थों का धर्म, कुछ निर्णा करो कुछ तुलना करो। एक करदा कहिंदा बहुत देखे हैं मैंने मशरक और मगरब के मैखाने, कहिंदा शराब खाने में हिंदुस्तान के भी देखे ने यूरोप के भी देखे ने, बहुत देखे हैं मैंने मशरक और मगरब के मैखाने, यहां साथी नहीं मिलता वहां बेजौक है सावा। कहिंदा यूरोप के जिहड़े मैं मैखाने वेखे ने शराब खाने वेखे ने, शराब किसे काम दी नहीं, बिल्कुल गंदी, कुछ सरूर नहीं, कोई नशा नहीं, पर साकी बहुत अच्छा है, जिहड़ा पिलाण वाला है ना वह बहुत अच्छा है, उहदे प्याले बड़े साफ सुथरे, उहदे पेश करन दा ढंग बड़ा अंदाज बहुत वधिया है, और वो ऐसी हलेमी नाल पेश करता है कि पीण नू जी करता है भावे शराब गंदी है। कहिंदा हिंदुस्तान की शराब पाक पवित्र है, बड़ी चंगी है, बड़ी वधिया है, उहदे च सरूर भी है, उहदे च मस्ती भी है, पर साकी बड़ा गंदा है, उहदे प्याले बड़े गंदे ने, उहदे पेश करन दा ढंग बड़ा गंदा है, इस वास्ते पीण नू जी नहीं करता भावे शराब बहुत चंगी है। दरअसल गल जी कह गया है बड़ी फीमती, वो कहता यूरोप के जिहड़ा धर्म है विच कोई ज्ञान विज्ञान की कोई गल नहीं है, क्षमा करनी अज ज्ञान ते विज्ञान की कसौटी ते तुसी बाइबल नूं परखो ना, अद्धी बाइबल गलत हो जाती, अद्धी उहदे च लिखिया जमीन चपटी है, उहदे च इह लिखिया जमीन आ जिहड़ी है साकन है रुकी हुई है, अज विज्ञान ने गलत साबित कर दिता बई ते गुम रही है, ये चपटी नहीं ते गोल है। उहदे च लिखे है छे दिन खुदा जिहड़ा है दुनिया बनांदा रहा, सतवें दिन थक गया वह फिर रैसट करन लग गया, छे दिन बनांदा रहा सतवें दिन थक गया, सतवां दिन केड़ा सी इतवार रविवार सूरज का दिन, इहदा मतलब सूरज मौजूद सी, ते जे सूरज मौजूद सी ते संसार मौजूद सी उह की खाक बना रहा सी की बना रहा सी, इस तरह दियां बचियां आलियां गल्लां पूरी नहीं उतरदी गल उह सच्चाई है। इकबाल कहिंदा यूरोप की शराब किसे कम दी नहीं, उत्थों का धर्म किसे कम दा नहीं, पर कहिंदा उत्थों का जिहड़ा पादरी है ना जिहड़ा साथी है जो मिशनरी है उहदे पेश करन दा ढंग इतना वधिया है, उहदे प्याले इतने वधिया ने पीण नूं जी करदा मनण नूं जी करदा। कहिंदा हिंदुस्तान का ज्ञान बड़ा महान है, बड़ी गल है, हिंदुस्तान विच वेद ने शास्त्र ने उपनिषद ने गीता है सिमरतियां ने पुराण ने कोई थोड़े ग्रंथ ने, ते ग्रंथां दे सिरमौर ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी, कहिंदा बड़ा ज्ञान बड़ा ज्ञान बड़ी गल, यहां साकी नहीं मिलता
हिंदुस्तान दे साकी कोल ने इस शराब नूं पिलाउण वाला पेश करके अगे रखण वाला कोल ने। गुस्ताखी मह गुरुद्वारे मौजूद ने, मंदिर मौजूद ने हिंदुस्तान दे साकी कोल ने। शराब मौजूद है, साकी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बाणी एक नशा है, एक सरूर है, एक मस्ती है, साकी ते चाहिए। तो साकी तो बिना मैखाने उजड़े पे, साकी तो बिना शराब खाने उजड़े पे, कोई पींदा ही नहीं। ते जिस ढंग दे नाल पिलाण की कोशिश की जाती है, इस ढंग नाल सियाणा बंदा पीण नूं राजी नहीं। लड़ाई ने, झगड़े ने, वितकरे ने। हुण इह एकता दा केंद्र है, ते इत्थे ही अनेकता दी मैं गल छेड़ बैठा। इह शांति दा केंद्र है, ते मैं इत्थे डुबदा दी गल छेड़ बैठा। जिथे एक दी गल करनी होवे उत्थे द्वैत दी गल करिए, जिथे निर्वैर दी गल करनी होवे उत्थे वितकरियां नूं ते वैर नूं जन्म दित्ता जाए। यहां साथी नहीं मिलता, साथी कोई नहीं। शराब ते बहुत वधी, बहुत वधी, साथी कोई नहीं। पीण नूं जी नहीं करता। हिंदुस्तान के गुरुद्वारों च झगड़े, मंदिरों च झगड़े, कलेश। एक सियाणा बंदा जिन्हों कुछ मस्ती चाहिए है, कुछ सरूर चाहिए है, और जब देख ले साथी किसे कम दे ने। असी लोग साथियों च आ जाने, गुस्ताखी माफ। गुणी ने, ज्ञानी ने, रागी ने, प्रचारक ने, प्रबंधक ने, ये सारे साथियों च आ जाते। ते हुण ज्ञानी आप अज्ञानी हो गए, ज्ञानी आप लोभी हो गए, ते प्रचारक खुद प्रचार की दुनिया तो परे हो गए, ते प्रबंधक के अंदर खुद कोई सिकी का शौक ना हो गए। कौन इसके हाथों तो शराब पीएगा, कौन पीएगा? कहने लोड़ है, यहां साकी नहीं मिलता, वहां बेजौक है साबा। इतने साकी कोई नहीं, शराब ते है बड़ी वधिया, बहुत कीमती, बड़ा सरूर है, बड़ा नशा है। इकबाल कहता है साकी नहीं है, ब्राह्मण किसे कम का नहीं, मौलवी किसे कम का नहीं। उन्हें साफ कह दिता है, अगे गल खोल के कह देती है, सच कह तू ऐ ब्राह्मण। उन्हां दिनां च जदों इसने नजम आखी सी, उहदी निगाह विच साकी ब्राह्मण ते मौलवी सन, उन्हें दोहां ते चोट कीती। सच कह तू ऐ ब्राह्मण, गर तू बुरा ना माने, तेरे सनम कनो के बुत हो गए पुराने, अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जगल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, तंग आके मैंने आखिर वाइस का वाज छोड़ा। भैया ब्राह्मण में देखे कृष्ण ते राम की मूर्ति नूं अगे रख के तू इतने वितकरे खड़े कर देते ने, ये मलेच्छ है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये खत्री है। तू इतने वितकरे खड़े कर देते ने, बंदे का बंदे नाल मिलना ही औखा हो गया, मनुख का मनुख नाल मिलना ही औखा हो गया। और ऐ मौलवी तू ही कट नहीं, तू उस हर बंदे नूं काफर कही जाना है जिहड़ा इस्लाम दे झंडे तले नहीं आया। तंग आके मैंने आखिर गैरो हरम को छोड़ा, वाइस का वाग छोड़ा, छोड़े तेरे पसाने। इकबाल कहता है ब्राह्मण तेनू मैं त्यागया, ऐ मौलवी तेनू भी मैं छड्डिया, तू किसे काम दा नहीं। शराब बहुत वधी है, साकी किसे काम दे नहीं। थोड़े हाथ बैड़े ने, थोड़े पेश करने का ढंग बड़ा बैड़ा है, थोड़े प्याले बड़े गंदे ने। इस वास्ते पीण नूं जी नहीं करता, नहीं पीते। तो मैं उस कर रहा सी धर्म नूं, मजहब नूं, धर्म ग्रंथां दी विचार में इकबाल भी शराब नाल तस्वीर लेता है। क्यों? धर्म एक सरूर है, एक नशा है, पर ये नशा बेहोशी का नशा नहीं है, होश का नशा है। एक बेहोशी का नशा है, एक होश का नशा। जब बंदा पूर्ण होश दे चोवे की पहचाने पूर्ण होश दे च। अजे असी पूर्ण होश दे च नहीं है, इस चक्कर च ना पैना कि असी पूर्ण होश दे च। किसी वक्त मैं गुरबाणी दियां कुछ पंक्तियां लेके इस गल नूं खोलांगा, असी सुनते हैं। जागत सोया जन्म गवाया, साहबां दी बाणी कहिंदी असी जागदे होए भी सुते, कोई जागदे होए नहीं। साडी शरीरक जिहड़ी सतह है ना, उह अद्धी सुती पई है, जबान सुती पई है, अखां सुतियां पईआं ने, कन्न सुते पए ने। तुसीं आपो जागदे नहीं, अद्धे सुते पए ने, अद्धे जागदे।
जबान नू भोजन का रस आउंदा है, भजन का रस नहीं आउंदा। वैगुरु वैगुरु आखी कोई रस आउंदा है? नहीं, भगतां नू आउंदा है। उन्हां दी जबान पूरी जागी हुई है। रसना गीली बोलत राम। हुण साहिब कहिंदे ने जबान तो भगत राम कहिंदे ने रस नाल डुब जांदे, आनंद नाल डुब जांदे। हुण इन्हां अखां नाल संसार दिसदा है, निरंकार नहीं दिखाई देता। अखां अधियां कम कर रही ने, पूरियां नहीं कम कर रही। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, मैं वेखे होरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। सानू तो दिखाई देता, असी तो वेखते। कबीर कहते हैं, दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन अवर न देखा। कि कबीर नू पूछ ली, कोई दूरबीन ला लेना, कोई खास चश्मा अखां ते ला लेना, वेखदा सानू नहीं दिखाई देता, तैनू दिखाई देता। दरस कबीर पूरा जागे होया, पूरन होश दे च। जब कोई पूरन होश दे च होवे, वह भी एक मस्ती है, वह भी एक खुमारी है। इस वास्ते साडे देश दे च एक आम क्यास लाया जाता है, भाई एक शराबी बैठा होवे जिन्हों पूरा नशा चढ़े होवे, एक भगत बैठा होवे, दोवां की पहचान करनी औखी हो जाएगी। इन्हां च भगत केड़ा, शराबी केड़ा नहीं पता, क्योंकि दोवां कोल खुमारी होवे, दोवां कोल मस्ती होवे। जिन्हों कहिंदे ना खुमारी चेहरे की अखां विच, उह दोवां दे चेहरे दोए दोए लोचन पेखा हो हर दिन अवर न देखा। हुण कबीर कोल पुछिए, भाई तू वेख रहे हैं दो अखां नाल रब नूं, इहदा सबूत इहदी पहचान? वह कहिंदा, नैन रहे रंग लाई अब बेगल कहन न जाई। वह कहिंदा, मेरियां अखां वेख लो, खुमारी थानू दिसदी है कि नहीं, मस्ती थानू दिसदी है कि नहीं? खुमारी है, एक सरूर है, एक मस्ती है। ते मस्ती तो बिना मनुख रह नहीं सकता। मैं फिर लफ्ज़ दोहरा दिया, बंदे नू मस्ती चाहिए, बंदे नू सरूर चाहिए। या होश का सरूर या बेहोशी का सरूर। बेहोशी का सरूर जिहड़ा नशा है, यह बाहरों लभणगे। नाम का नशा अंदरों ही बनाना पड़ेगा, आप बनाना पड़ेगा। बनया बनाया कोई नहीं मिलता, इस चक्कर च कभी ना पैना। जपया जपाया नाम नहीं मिलता, होता आप जपना पड़ता। मैं देखना समुची दुनिया में धन वधदा जा रहा है, धर्म घटता जा रहा है। पता है क्यों? कि प्यो का कमाया हुआ धन पुत्र नूं मिल गया, वड्डे भरा का कमाया हुआ धन छोटे भरा नूं मिल गया, दादे का कमाया हुआ धन पोतरे नूं मिल गया। धन की लाटरी भी निकल आती है, पर धर्म आप कमाना पड़ता है। प्यो का कमाया हुआ पुत्र नूं नहीं मिलता, इन्नी मेहनत करते पुत्र का कमाया हुआ प्यो नूं नहीं मिलता, वड्डे भरा का कमाया हुआ छोटे नूं नहीं मिलता। और धर्म की कोई लाटरी भी नहीं निकलती, नाम की कोई लाटरी भी नहीं निकलती, आप कमाना पड़ता है। अपना आपे ही काज सवारी। एक दो उदाहरण देकर मैं अगे चला। गुरु रामदास जी महाराज की बड़ी कोशिश थी कि मेरा जोड़ा यह वड्डा साहबजादा है ना पृथ्वी चंद, इहदे कोलो भी नाम का सरूर होवे, नाम का नशा होवे, इहदे कोल भी मस्ती होवे, इहदी जिंदगी भी सफल होवे। बड़ी कोशिश थी, पर मेरे पातशाह उत्थे कोशिश से सफल नहीं हुए। पृथ्वी चंद लड़दा ही रहा, झगड़दा ही रहा। और गुरु रामदास जी महाराज को समझाना पड़ा, काहे फूट झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगरत पाप। ये शब्द क्यों लड़ता है? सारा दिन लड़ता से, सारा दिन बिखाद पाई रखता से। गुरु रामदास जी महाराज को कुछ सौगात ले नहीं सकया, ना ये दिखती जा सकती। दूजे पासे असी देखते हैं कि प्रहलाद है पंज वरिया का, उदी बड़ी इच्छा सी कि जिहड़ी मस्ती मेरे कोल है मेरे प्यो कोल भी होवे, जिहड़ा सरूर मेरे कोल है वह मेरे प्यो कोल भी होवे। वह प्यो नूं नहीं दे सके, इत्थे पुत्र नूं नहीं दे सके पिता, उत्थे पुत्र पिता नूं नहीं दे सके। ये दित्ती नहीं जा सकती। धन दिता जा सकता है, प्यो अपना धन पुत्र नूं दे सकता है, पोतरे नूं दे सकता है। इस वास्ते संसार विच सहजे सहजे धन वध रहे, धर्म घट रहे, क्योंकि धर्म हर बंदे नूं आप कमाना पएगा। दूजे का कमाया नहीं मिलता, आप कमाना पएगा। जपया जपाया नाम नहीं मिलता, इस चक्कर च कभी ना पड़ना, आप जपना पड़ेगा। आपण हथी आपणा आपे ही काज सवारी। नाम स्वयं जपना पएगा, ये शराब आप बनानी पएगी, ये सरूर आप लेना पएगा।
तो नैन रहे रंग लाई, नाम जपदिया जपदिया मनुख पूर्ण रूप में होश में आ जाता है। अखां जाग पैंदी, जबान जाग पैंदी है, जबान नूं भोजन के रस के नाल नाल भजन का रस भी आन लग पैंदा है। अखां संसार नूं वेखदिया वेखदिया निरंकार नूं भी वेखण लग पैंदा है। ये जगत सब हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये कन संसार नूं सुनदिया सुनदिया करतार नूं भी सुन लग पैंदे ने। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज हालत चल रहे असी पंजाब दे जिहड़े खूह ने गेड़वे खूह, मरदाने नूं त्रिखा लगी, वो पानी पीण लगा खूह ते, ते साहिब कहण लगे जिहड़ा गेड़वा खूह है मरदानिया की पिया बोलदा। ते मरदाना कहण लगा पातशाह इंज आवाज आ रही है जिवें कोई मासूम बच्चा रोंदा होवे, बस इस तरह की आवाज है, गेड़वे खूह इस तरह की आवाज होती। महाराज जिवें कोई बच्चा रो रहा होवे इस तरह की आवाज है। साहिब कहिंदे नहीं, हर हट भी तू तू करे बोले पल्ले बाण। बड़ी सुंदर पंक्ति, मरदाने इथों भी तू तू की आवाज है, इत्थे भी भजन हो रहा है, इत्थे भी बंदगी हो रही है। जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। के कन कोई होर है जो अठे पैर हर पासे परमात्मा की आवाज सुन रहे हैं। ये अखां कुछ होर ने, जिथे तक वेखदियां ने करतार नूं वेखदियां, और ये जबान कुछ होर है। जो कुछ भी बोलती हो ज्ञान ही है, जेता बोलन तेता ज्ञान, जितना बोलना है ज्ञान ही है, जितना बोलना है नाम ही है, और जितना कहना है वो कोई सरूर है, वो कुछ मस्ती है। संक्षेप में हुण मैं अर्ज करा, इस संबंध में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बड़े शब्द ने, गुरु नानक देव जी के, गुरु अर्जन देव जी के, और भगत कबीर के। कबीर का एक छोटा जिहा शब्द मैं थोड़े सामने रखा। कबीर नाम नूं शराब कहते हैं, नाम नूं नशा कहते, धर्म नूं नशा कहते, पर यह नशा होश का नशा। जब बंदा पूर्ण रूप में होश च आएगा खुमारी चढ़ जाएगी, और जब बंदा बेहोश होगा कोई शराब या कोई होर नशा लैके तो भी खुमारी चढ़ेगी। दो हालतों में एक गल बनती है कि बेहोशी की शराब में बेचैनिया नाल वक्ती तौर पर संबंध टुटता है, बेचैनिया नूं बंदा भुलदा है, पर जब होश दी शराब मिलती है बेचैनिया खत्म हो जाती है, बेचैनिया मिट जाती है, दुखों तो छुटकारा हो जाता है, कलेश तो बंदा बच जाता है। भगत कबीर नूं इस तरह की मस्ती विच देख के एक जोगी ने सुभावक पूछ लिया, कबीर जापदा तू नशा कीता है? कबीर कहिंदा हां कीता है। और योगियों के शराब आम पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, बड़े भयंकर नशे योगी लोग करते हैं। और योगी पूछता है भाई कबीर तू नशे च जापदा, बड़ा सरूर है, बड़ी मस्ती है तेरे को, दसते सही तू किन्नी क पीती है? कबीर कंध ने किस वक्त पीती सी, बड़ी मुद्दत हो गई है, नशा अजे तक लिया नहीं, उतरे नहीं, और उतरेगा भी नहीं। जोगी कहिंदे कि नशे च ही पिया बोलदा है, भाई कभी पीती सी, बड़ी मुद्दत होई है, किते गल ही गल है। कबीर कहिंदा हां मैं ऐसी शराब पीती है जिहदा नशा लहिंदा नहीं, आ जिहड़ी आम शराब है ना, या अफीम, थोड़े जिहे छिट्टे पानी दे मारो नशे रह जांदे। अफीम चीज जिहड़ा बंदा ना अफीम खाण वाला, वह पानी के नेड़े नहीं जाता, थोड़े जिहा पानी के छिट्टे मारो ठंडे नशा लै जाता। पर नाम का नशा तो ऐसा है उबलती देग विच भी उतरता नहीं, नशा बनिया रहता, सरूर बनिया रहता, वह ठंडे पानी नाल लै जाता है, उबलते पानी च भी नहीं लगता। एक सरूर है, एक मस्ती है, एक खेल है। तो जोगी सवावत पुछता है कबीर मुद्दत हुई है पीती सी? हां मुद्दत हुई है, नशा लेंदा ही नहीं, नहीं वधदा जा रहा, लेंदा ही नहीं। अच्छा फिर ये तो सानू भी दस ये शराब कितों मिलती है? कबीर कहने मिलती किधरों ही नहीं, आप बनानी पैंदी है। तो जोगी कहता अच्छा मैनू भी बनाने का ढंग दस ताकि मैं भी पीया। तो इस शराब के बनाने का ढंग गुरु ग्रंथ साहब विच लिखे है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी ने, और भगत कबीर ने।
सिद्ध गोष्ठ की बाणी विच गुरु नानक देव जी के शब्द ने रामकली राग के अंदर, रामकली राग के अंदर ही गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द ने और 8-10 शब्द इसी संबंध के भगत करीब ने जोगियों प्रति। एक शब्द मैं थोड़े सामने रखा, भगत कबीर कहना, गुण कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, भव भाटी तन धारा, सुख मन नारी सहज समानी, पीवे जीवन हारा, औ तू मेरा मन मतवारा, उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या, त्रिभुवन भया पुजारा। औ तू मेरा मन मतवारा, ऐ अदोत महात्मा, मैं जिस दिन भी पीती है मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया, सरूर चढ़ गया। उन मन चढ़ा मदन रस चाख्या, त्रिभुवन भया पुजारा। ऐ योगी, जिड़ी शराब तू पीना है तू अपना नाम भी भूल जाना है, पर जिड़ी शराब मैं पीती है त्रिभुवन भया हो जाएगा, तीन लोगों का प्रकाश हो गया, बड़ा चानना हो गया, बड़ा ज्ञान मिल गया, बड़ी सूझ मिली गई। पर ये शराब तुसी बनाई किस तरह, कबीर बनाने का ढंग दसते हैं, गुड़ कर ज्ञान, शराब मिठे तो ही बनाई जाती है, मिठे नूं कौड़ा करना होंदा और कुछ नहीं। कहने मिठे की जे अत कर दई है ना अत, तो मिठा कौड़ा हो जाता है, तो कुड़त्तन की अत कर दई है तो कुड़त्तन मिठी भी हो जाती है अत पे जाके। और अक्सर जो थोड़ी जी भी शराब पींदा है, समझ लो बहुत सारा मिठा तो उसके अंदर जाता है, बहुत सारा मिठा, थोड़ा मिठा नहीं जाएगा। हूँ काफी कुछ मिठा होगा जी थोड़ी जी शराब बनती है, कि जी इतना मिठा उस बंदे के अंदर जाएगा, शरीर रोगी नहीं होगा तो और की है, दुनिया भर दिया बीमारियां नहीं सहेड़ेगा तो और की है, पर वक्ती तौर पर उसने बेचैनी तो बचना है, स्वास्थ्य करना है। दरअसल शराब की है मिठे नूं कौड़ा करना, मिठे गुड़ नूं कौड़ा करना, मिठी शक्कर नूं कौड़ा करना, मिठे संतरियां नूं कौड़ा करना, मिठे अंगूरां नूं कौड़ा करना। कई दफा मैनूं ख्याल आंदा है जिन्हां बंदिया ने मिठे अंगूरां नूं मिठा नहीं रहन दिता, मिठे गुड़ नूं मिठा नहीं रहन दिता, उन्होंने अपनी जिंदगी कितने मिठास रहने दी होगी, जिंदगी भी कुड़त्तन नाल भर छी होगी, जिंदगी भी कौड़ी कर छी, क्योंकि मिठे जो कौड़े कर छे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, प्राचीन समय से हुण भी भारत देश शराब जी आम बिक्री जो देसी कहते हैं वह गुड़ के मऊए तो बनती है। मऊआ एक फुल होता है, उड़ीसा बंगाल बिहार ते यूपी के थोड़े जिया जिलों से बहुत सारा पाया जाता है। ये दरख्त अंब के दरख्त की तरह होता है, उतना ही वड्डा होता है, ते मार्च अप्रैल चिट्टे चिट्टे फुल लगते हैं चमेली की तरह, उन्होंने फुलों में बड़ी मिठास होती है। गुड़ के नाल मिला के मऊए ते गुड़ के चों शराब कढ़ी जाती है। भगत कबीर उसे लई उदाहरण सामने रखते हैं, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर मऊआ, भव भाटी तन धारा। हुण भट्ठी ते चाहीदी है ना जिहदे च गुड़ पाना है, जिहदे च मऊआ पाना है, भय दी भट्ठी बनाईए, परमात्मा का भय अकाल पुरख का भय, यह मैं बनाईए भट्ठी। हुण बंदा बंदे तो डरदा है, बंदा कानून तो भी डरदा है, बंदा रब तो डरदा है, बंदा गुरु तो डरदा है, कदे ही नहीं। मैं समुची दुनिया घूम फिर के देखा, जो अपने ढंग नाल अध्ययन किया हो सकता है गलत किया हो, बंदा कानून तो भी डरता है, बंदा बंदे तो भी डरता है, बंदा गुरु तो नहीं डरता, बंदा परमात्मा तो नहीं डरता। और जिस दिन परमात्मा तो डरे उस दिन ही भगत बन जाता है। और परमात्मा निर्मल है, परमात्मा का भय भी निर्मल है, निर्मल भव पाया हर गुण गाया, हर वेखे राम आदोर, निर्मल भय मिले, परमात्मा निर्मल है, उसका भय भी निर्मल है। तो जिस दिन बंदा उसका निर्मल भय अपने अंदर धारण कर लेता है, चारों पासे अकाल पुरख दिखाई देता है, फिर उसके अंदर कोई भय रह भी नहीं जाता, वो निर्भव हो जाता है, निर्भव जपे सगल भव मिटे। तो खैर भगत कबीर कहने, भय भी मैं भट्ठी बनाई, इस भय रूपी भट्ठी ज्ञान का गुड़ पाया, ज्ञान का मऊआ पाया। ध्यान किसका जुड़ेगा, जिस दिन अंदर गुरु का भय, जिस दिन अंदर गुरु का आदर है, जिस दिन अंदर गुरु की शरदा है, जिस दिन अंदर गुरु का भरोसा है, उसका ध्यान जुड़ेगा, जिसका ध्यान जुड़ेगा ज्ञान उन्होंने ही मिलना है।
सब कुछ इकट्ठा जुड़े हुए हैं। जिथे भय है उथे ध्यान है, जिथे ध्यान है ज्ञान उथे ही है। बिना ध्यान तो ज्ञान नहीं होता। बाणी च ध्यान जोड़ो, वाहगुरु वाहगुरु का जाप कर दिया, ध्यान जोड़ो, इस ध्यान ने ज्ञान को जन्म देना। तो गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर बहुआ, भव भा रीतन दारा, सुख मन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा, औधु मेरा मन मतवारा, उन मन जदा मदन रस चाखिया, त्रिभुवन भया उजारा। कबीर कहते ने नली में इस भट्ठी नू कीड़ी लाई है, नली लाई है भगती, जिदे तो शराब निकल निकल के आ रही है, और मेरा मन पी पी के मतवाला हो गया, मदमस्त हो गया, सरूर चढ़ गया, खुमारी चढ़ गई। खिमा करनी खुमारी ना आती कि भगतान ने नाम कदों का छड़ देना सी। भाई एक दिन जब जी पढ़ी, रोज रोज हम पढ़न की लोड़ है, एक दिन सुखमनी पढ़ ली, रोज रोज पढ़न की लोड़ है, नहीं खुमारी है, इस वास्ते भगत पढ़ देना। खुमारी है इस वास्ते भगत जग रहे हैं, और खुमारी ऐसी जो परम होश की खुमारी, जिदे नाल दुख कलेश सारे मिट जाने, परम आनंद है, परम रस है। हुण इस भय रूपी भट्ठी दे थले अग केड़ी बाली है, उस अग का भी जिक्र करते हैं भगत कवि। दो पुर जोर रसाई भाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध दोहिए जलेता, छूट गई संसारी। बालन केड़ा डाया, क्योंकि भट्ठी के थले अग ना बालो तो शराब से बननी कोई, अग केड़ी बाली है। कबीर कहना मैं थले बालिया काम नू ते क्रोध, काम क्रोध दोहिए जलेता, जलेता कहना बालन ईंधन, ये मैं जलेता है, मैं बालन किया, काम नू साड़िया है, क्रोध नू साड़िया है। ज्यो ज्यो क्रोध सड़ता गया, ज्यो ज्यो काम सड़ता गया, भय रूपी भट्ठी विचों, ज्ञान के गुड़ विचों, ध्यान के मवे विचों शराब निकलती रही, शराब निकलती रही। उन्हों पी पी के मैं मतवाला हो गया, मैं मदमस्त हो गया। तो हुण भगत कबीर को पूछिए, ऐ शराब बना की जात तुसी किस तों सीखी? वह भी ढंग दसते हैं, प्रगट प्रगास ज्ञान गुरु गम्मत, सतगुरु ते सुध पाई, दास कबीर तास मद माता, उचित न कब हो जाए। सतगुरु को मत नहीं गई, सतगुरु ने मैनू सूझ समझ लेती है, इंज शराब बनाई दी है। ते कबीर कहने जिस दिन भी मैं पीती है, दास कबीर तास मद माता, मद कहने शराब, जिस दिन भी मैं ये शराब पीती है, नशा ऐसा चढ़िया है लथा ही नहीं करी, मैं सरूर बेच रहा, मैं मस्ती बेच रहा, मैं आनंद बेच रहा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को वेख के बाबर नूं भुलेखा लग गया से कि ये साधु आम हिंदुस्तानी साधुओं की तरह भंग पींदा होए। जेल में भंग पेश की सी बाबर ने, साहिब कहन लगे नहीं तैनू भुलेखा है, इत नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पातशाह दियां अखां नूं वेख के उन्हों भुलेखा पै गया, तू पींदे ने भंग पींदे ने। ते मैं लवज फिर दोहरा देना, एक शराबी बिठा दो जिन्हें रज के पीती होवे, ते एक जिसने रज के नाम जपे होए ते कोलों कोई सरूर होवे, दोनों नूं बिठा दो, पहचान करनी औखी हो जाएगी। इहदे च शराबी केड़ा और इहदे च नाम कुमारी वाला केड़ा? लेकिन बाद विच किरदार तो पता जरूर चलेगा, कर्मा तो जरूर पता चलेगा, हाँ ये निरा ही शराबी है और ये भगत है, लेकिन खुमारी तो भुलेखा लग सकता है, सरूर तो जिहड़ा है भुलेखा लग सकता है। तो सतगुरु की बाणी का फैसला, धर्म एक सरूर है, धर्म एक मस्ती है, धर्म एक खेड़ है, धर्म एक नशा है, धर्म एक खुमारी है। ऐसी खुमारी जिहड़ी होश तो पैदा होती है, जैसे जैसे बंदा नाम जपता है होश बनता है, ज्यो बंदा परम होश में जाता है सरूरतारी हो जाता है, नशातारी हो जाता है। एक अगमी दुनिया की पर्दे उसके खुल जाते हैं, एक अगमी प्रकाश उसके अंदर पैदा हो जाता है, और सारिया चिंतावान के कलेश तो उसका अंत हो जाता है। इसे वास्ते नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को कह रहे हैं, तुसी ते साखी हो, तुसी ते नाम की शराब वंडन वाले, तुसी ते ज्ञान का सरूर वंडन वाले हो, ते मैं भी इसे सरूर का तलबदार हाँ, ऐ साफी मैनू भी पिला, और पींदियां सार
मैं जन्नत नूं ठोकर मार दिया विदेशा की मरा यकजा मजा रंगीनी ए दिला बचश्मे पाक भी आसा उनम ही जुमला मुश्किला। इतने वचन इस शब्द प्रवान करने विचार दे आखिर तो बाद गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च दिलों अरदास पातशाह सब नूं ज्ञान का सरूर बख्श सब नूं नाम का सरूर बख्श सारियां नूं कीर्तन का सरूर बख्श सारियां नूं नितनेम का सरूर बख्श सारियां नूं नाम का सरूर बख्श ताकि शराब के सरूर तो छेड़ा छुटे और तरह तरह के नशियां तो जिंदगी बचे। और मैं फिर अर्ज कर दिया जे ना तुसी नाम दे सरूर दे नेड़े आए तो फिर शराब को मजबूरी जाना ही पड़ेगा क्योंकि बंदे दे अंदर ते बेचैनियां है बंदे दे अंदर ते दुख है बंदे दे अंदर ते संताप है बंदे दे अंदर ते कलेश है या तो उसनों भुलावे या तो उसनों दूर करे शराब नाल भुलाए जाते हैं नाम नाल दूर किए जाते हैं। बेहोशी दे बेचैनिया बंदा भुल जाता है होश से दूर हो जाए नाम जपदिया जपदिया परम होश मिलता है ऐसा होश सारे कलेश मिट गए सारे संताप मिट गए। मेरे पातशाह सारियां नूं अगली सरूर बख्शन सारियां दे संताप दूर करन भुल चुक लई खिमा दी जाचना गज वजते फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा।